चलें जी बिस्मिल्लाह। जुनेद साहब हैं, ये आपको सारा सिस्टम बताएंगे कि इसको हम चेकिंग किस तरीके से कर रहे हैं। जी सर। आरसी पे हम दिए, आरसी रिमोट कंट्रोल पे इन्होंने कर दिया। अब ये एक्स प्लस दबा रहे हैं, आप ये देखें कि ये अपनी एक्स प्लस डायरेक्शन एक्स माइनस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। इस तरफ होगा एक्स प्लस में, इस तरफ होगा एक्स प्लस में, ये इस साइड पे घूम रहा है। अभी वाई माइनस वाई टू, अब वाई टू माइनस नीचे आ रहा है, ठीक है, और वाई प्लस ऊपर जा रहा है, ठीक है। जेड थ्री माइनस जेड थ्री माइनस जेड थ्री माइनस में, और ये प्लस में आ जाएगा। अल्फा फोर वन, अल्फा फोर वन, इसके यानी कि होल्डर की मूवमेंट है, होल्डर की मूवमेंट आप चेक करें, होल्डर इस वक्त मूव कर रहा है। ये प्लस और ये प्लस हो रहा है, पहले माइनस था, पहले माइनस था, अब ये प्लस हो रहा है। बीटा पे जाएंगे, बीटा पे जा रहे हैं, बीटा नेगेटिव, होल्डर भी यानी कि अप डाउन हो रहा है, होल्डर जो है वो अप डाउन हो रहा है। ये माइनस पे बीटा फाइव माइनस, फाइव माइनस, ये प्लस पे नीचे आया थे और ये प्लस पे नीचे आ रहा है। वाई में होल्डर की मूवमेंट है, खुला है, डाउन है, होल्डर की मूवमेंट है, ट्रेस्ट पे डाउन घूमेगा, ये डाउन ये जो हमारी यानी कि ये आर सी से हमें ये रिबोट आर्म की मूवमेंट थी, ठीक हो गया, ठीक है। और एक्सटर्नल और इंटरनल में जाएंगे तो हमारे यानी कि ये ऊपर जो अब एक्सटर्नल में जाएंगे, अब पूरी बॉडी जो है वो मूवमेंट एक्स पे घूम रही है, एक्स माइनस में आगे जाएगा, प्लस में पीछे हो जाएगा, प्लस अपनी जॉब की तरफ जा रहा है, प्लस में ये पीछे हो जाएगा, सही। और एक्सटर्नल में वाई पे क्या करेगा, वाई पे ये जो इसका बेड है उसकी मूवमेंट करेगा, बिठा रहे वाई पे बेड की मूवमेंट आएगी, ये बेड पे लगाएंगे वाई एक्सटर्नल, ये जो इसके ऊपर है ये वाई एक्सटर्नल पे बेड की मूवमेंट आ रही है। इसमें वाई माइनस करेंगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज और ये क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज स्टेशन ले रहा होगा। और जेड पे, जेड पे इसकी यानी कि बेड की, जेड पे नीचे वाला बेड ये हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप के ऊपर जा रहा है, प्लस के ऊपर और जेड। ये नौ पूरी होगी एक्सेस, ये नौ पूरी, तो इस तरीके से नौ एक्सेस पूरी होगी हैं। अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इस जॉब को ऑटोमेट करना है कि वो ये वेल्डिंग जॉब जो है एज़ पर प्रोग्राम और जो वेल्डिंग स्टैंडर्ड है ISO उसके ऊपर इसको हम प्रोग्राम कर सकें। ये एक ये एक्सटर्नल के ऊपर जो इसकी बाकी तीन एक्सेस हैं वो ये काम करेंगे। अप टू 18 एक्सेस ये सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल 9 एक्सेस है। पूरी वर्टिकल पोजीशन में आ चुका है और अब रोबोटिक आर्म
रोबोटिक आर्म लेके आए ज़रा इसके पास, या तो एक दफ़ा इसकी एक्सेस की सारी मोटर्स टेस्ट हो गई हैं, अब इसके ऊपर हम इसका जो प्रोग्राम है उसको टेस्ट करेंगे। थैंक यू।